हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं होती फैन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज बैंक निफ्टी क्या होने वाला है, कहां पर एंट्री कर सकता है, उसका ऊपर भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 27,089 पिवट पॉइंट 87 एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 27,282, सेकेंड 27,594 एंड थर्ड 27,790 and the first support 26,677, second support 26,579 and the third 26,627। डेली में देख सकते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट में कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से एक सपोर्टिंग जोन था पहले, तो वहाँ से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के फिर से मार्केट नीचे आने का चांसेस हो रहा है। तो अगर इलियट वेव पैटर्न की तरफ से आप हम देखें तो इसको आप देख सकते हैं इलियट वेव क्या होता है। तो इलियट वेव पैटर्न में क्या कैसे बनाता है हम देखें, आपको थोड़ा उसका भी ऊपर में बता देता हूँ। तो इलियट वेव क्या होता है, फाइव वेव बनाता है, जैसे वेब 1, 2, 3, 4, फिफ्थ। अगर फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद क्या बनाता है, ए बी सी वेब बनाता है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 वेब 2, 3, 4, फिफ्थ, राइट। फिफ्थ बनाने के बाद इसको क्या होता है, ए बी सी वेब होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ जो अभी जो ये वेब बन रहा है, अभी ये फिफ्थ वेब है, राइट, ये फिफ्थ वेब है, ये जो है ये फिफ्थ वेव है। तो फिफ्थ वेव जैसे ये फिफ्थ वेव है, उसके बाद ये वेव कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको बोलता है ए बी सी वेव, राइट। इसको ए बी सी वेव बोलता है, ये फोर फिफ्थ वेव, सॉरी ये फोर वेव, ये थर्ड वेव, ये टू वेव और ये वन वेव, राइट। यहाँ से तो अब देख सकते हैं ये ए बी सी करके है, तो ए वेब बन रहा है। तो ए वेब जब बन रहा है उसका रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो इस रिट्रेसमेंट के लिए हमने फिबोनाची यूज किया हुआ है। तो फिबोनाची आप देख सकते हैं, फिबोनाची के लिए हमने अगर फिबोनाची को अप्लाई किया उसका ये 61% जो दिखाई दे रहा है और 38% उसको रिवाइज करना पड़ेगा हम, तब आपको पता चलेगा। 38% नहीं तो 50% रिट्रेसमेंट हो सकता है इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से बाउंस हो सकता है, नहीं तो ये 50 वेव, ये दो ऑप्शन मिला हुआ है, 38 नहीं तो 50, ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है 50 है। तो 50 से मार्केट फिर से वापस जा सकता है। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा और रिट्रेसमेंट करने वाला है, राइट। ये हो गया डेली में, तो डेली में हमें एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट और नीचे आने वाला है। तो इसलिए हमें क्या किया, उस वहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखे तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं 15 मिनट रिट्रेसमेंट का हमें पॉइंट मिला हुआ है, एक 26,770 और 26,500 पॉइंट में, ठीक है। तो अगर हमने सेल लिया तो सेल यहाँ तक ही लेना है, ये दोनों एरिया जो हमें मिला तो जितना हो सके यहाँ तक हम सेल मेंटेन करेंगे, राइट। और यहाँ पे जो ये जोन में आएगा, जो मार्केट ये जोन में आएगा, तो यहाँ पे हमें ये जो इसका ऊपर यहाँ से सेल स्टॉप करना है, रुकना है, आइदर इसको ब्रेकआउट किया, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ तक ही हम सेल लेना है, जैसे 26,500 तक। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।